पांच और छह, दस होते हैं, पांच और सॉरी सात होते हैं ना, पांच रण और दस के उपद्रव, तुमने 16 दस बोले तो होते रणी हैं, के उपद्रव पांच कितने होते हैं, सब रण के पांच है, वृणी के दस है। रण के पांच है, वृणी के दस है, दस किसने बोले हैं? सुश्रुत ने बोले हैं, तो 16 किसने बोला है? सोलह चरक ने बोला है। अच्छा कर्णपाली ग्रह कितने होते हैं? पांच होते कर्णपाली ग्रह कितने होते हैं? पांच पांच ठीक है। उन्मंथ क्या है? उन्मंथ में दोष कौन सा होता है? वात कफ। अच्छा स्थिर कर्कश, स्थिर व पृथु वर्ष है, कर्कश है स्थिर, तो उसमें कौन सा क्या करोगे, कौन सी चिकित्सा करोगे? अग्नि कर्म करेंगे, अग्नि करेंगे। अच्छा ठीक है चलो। करीर पने शास्त्री, करीर पने शास्त्री ये कफ कफ है, क्या है? कफज, कफज अर्ष है ये, कफज अर्ष है। अच्छा ठीक है, नेत्र और संधि में कौन सा बंधन करेंगे? नेत्र और संधि में कौन सा बंधन करते हैं? वो शिथिल करते हैं, शिथिल बंद करते हैं, शिथिल बंद मानते हैं ठीक है। हाँ। तुल्य कौन सी अस्मरी होती है? अस्मतुल्य कौन सी? कौन सी अस्मतुल्य? कफज, कफज अस्मतुल्य कफज होगी। पित्तज कौन बोला? पित्तज कौन बोला? पित्तज कौन बोला? अपूर्वा। क्यों अपूर्वा? सही बोल रहे हो, पढ़ती लिखती नहीं हो। पूछ क्या रहे हैं आप? अस्मतुल्य जो है किस अस्मरी का लक्षण है? अच्छा पित्तज कहाँ पढ़ी हो? किसके अनुसार होता है पित्तज? किसके अनुसार है? चरक। चरक ने बोला है, पक्का 100%? हाँ। अब एक तरफ है तुम अकेली, एक तरफ हो, सब बोल रहे हैं कफज और तुम पित्तज बोल रही हो। नहीं सर, अपूर्व सही बोल रहे हैं। पित्तज का गुण क्या होता है? पित्त का गुण सर, पित्त का गुण उष्ण तीक्ष्ण, उष्ण तीक्ष्ण और पटु सद्रव, ये नहीं है, सहिष्णु हम उष्णम, उष्णम तीक्ष्ण, तीक्ष्ण सद, वो विश्रम श्रम गुण है, द्रव गुण है, फिर पत्थर जैसे कैसे हो गई? सर गुण है, द्रव गुण है, पत्थर जैसे कैसे हो गई सर? क्योंकि अश्मरी का निर्माण तो वात पित्त और कफ तीनों के उपसने से होगा ना, तो हार्ड हो जाती है ना चीजें, पित्त के गुण के कारण सूख जाता है ना, मिट्टी का ढेला गीला है और अगर उसमें धूप पड़ी तो क्या होता है, पत्थर कठोर हो जाएगा ना, पत्थर। तो सही तो बोल रही, कॉन्फिडेंस रखो ना और उसके कॉन्सेप्ट भी सोच के रखो कि क्यों होगा ठीक है। अच्छा तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होने के चांस है, 90% बच्चों ने गलत किया था, तुम्हें अकेले ने आंसर सही दिया था, बस यही होता है। अगर थोड़ा दिमाग लगा के और चीजों को ज्यादा फोकस करो, जब भी पढ़ोगे तो जो और चीजें हैं उनको ज्यादा फोकस करके पढ़ो। थी जब नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये बच्चे सब फेल हो जाते हैं उसमें और माइनस हो जाता है और तुम्हारा बचता है। इसलिए पढ़ते समय बहुत फोकस करना चाहिए, जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तब बहुत ध्यान देना चाहिए। भल्लात कास्थी है। अच्छा ठीक है चलो, पित्त और कफ, पित्त और कफ कौन से भगंदर में दोष होता है सर? ये उसमें होता है। अच्छा दहते ये उष्ट ग्रीव का है, उष्ट ग्रीव का है। पश्चिमान शोफ, पश्चिमान शोफ में वो अग्नि वो है, दहते पच्चते अग्नि क्षाराभ्याम होता है ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा बताओ ग्रंथि में दोष कौन से होते हैं? वापिक सर और मेदज होता है, सिरो मेदज होता है। ये नहीं पूछ रहा दोष और दूस से, दूष सर मामा कार होता तो अच्छा ठीक है चलो। अच्छा बताओ कपालास्थि, कपालास्थि जो है उसमें अस्थि भेद जो होता है भग्न होता है, कौन सा होता है कपालास्थि में, कौन सा अस्थि भग्न होगा? अस्थि भग्न चूर्णित हो जाते हैं ना, कपालास्थि
विविध्यंते वो वर्ड है, विविध्यंते है ना। अच्छा नलकास्थी में भंजते, भंजते। अच्छा कौन से भग्न में तेल द्रोणी में लेटाते हैं, कौन से भग्न में तेल द्रोणी में लेटाते हैं? पशु का क्या है? सर वो विद्रदी के समान। कौन सी विद्रदी? वाय विद्रदी नहीं, तो फिर शारीरिक विद्रदी। सर अष्टिला प्रत्याष्टिला की विद्रदी, अष्टिला प्रत्याष्टिला की एक विद्रदी के समान होती है। तो पता है तो ऑप्शन दिया तो शारीरिक मानसिक बाह्य कौन सी? सर अभ्यंतर विद्रदी। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा ये बताओ पैतिक गलगंड जो होता है ना उसका पैतिक गलगंड का आकार मूत्र के साथ श्लीपद में। ये सर अच्छा ठीक है चलो। सरपत्य निसम, सरपत्य निसम किसके लिए कहा गया? सरपत्य निसम जाल, सरपत्य निसम के लिए है। अलजी के लिए। अच्छा कुल्थिका, कुल्थिका भेद जो है किसमें मिलता है? प्रमेय पीड़िका का किस शास्त्र में मिलता है? अच्छा ठीक है। पाणिपाद तले संधव ग्रीवा या मूर्ति जत्राणी, उनकी किताबों को तो हमें हाथ में रखते हो, सिर पे रखते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा चलो बताओ ये कफ वात और मेद, कफ वात और मेद ये तुम किसमें पढ़े थे? मेवक। कौन से रोग में के मेवक? शर्करा। अच्छा ठीक है। पाषाण गर्दन में कौन सा दोष होता है? अच्छा ठीक है चलो। अनुसही में कौन सा दोष होता है? ये अनु बताइए। कफज दोष होता है। कफज। पालित्य में? पित्त होता है। पित्त होता है। जतुमणि, जतुमणि, जतुमणि में रक्त निकल जाता है। रक्त कफ, पक्कुदुम्बर सन्निभम, पक्कुदुम्बर सन्निभम, पक्कुदुम्बर सन्निभम, विवृता। ठीक है अच्छा। नीरुजम सहजम समुत्सन्न मंडलम, नीरुजम चतुमणि मंडलम, चतुमणि, चतुमणि, चतुमणि। अच्छा ठीक है चलो। नीरुजम तनुकम श्राव्य मुखे, नीरुजम तनुकम श्राव्य मुखे, व्यंग, 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 व्यंग में दोष कौन सा? वात व्यंग में, वात पित्त, वात पित्त, वात पित्त। गुदभ्रंश कौन सा दोष है? गुदभ्रंश, वात, गुदवात, गुदवात। निरोध प्रकाश, वात, बात, बात, बात। परिवर्तिका, इसमें व्यान वायु, वायु, व्यान वायु। कदर में, कदर में कौन सा दोष है? कदर सन्निपातज, सन्निपातज। अग्निदग्ध निभा सा स्फोटा सा ज्वरा रक्त और रक्त पित्तता, अग्निदग्ध निभा सा स्फोट ज्वरा रक्त पित्तता, स्फोटक, स्फोटक,